Hello friends, in the last videos we have studied about the passive element registers and we have solved some questions in series and parallel combinations. Okay, now in this video we are starting with the next passive element, that is inductor. Okay, L, so unit is Henry. Okay, now in case of resistor we have studied that resistance is the property of resistor which opposes the flow of current. Okay, resistance kya hai? Resistor ki property hai jo current ka oppose karti hai, current ke flow hone ka oppose karti hai. Same inductance kya hai? To inductance is the property of inductor which opposes the sudden change in current. To sudden change nahi hone deti current mein. Okay, तो इंडक्टेंस क्या करता है? सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है इंडक्टेंस. नाउ इसकी मीनिंग क्या है? जैसे सपोज करिए IL 0 माइनस ऑलवेज इक्वल होगी आपकी IL 0 के, ऑलवेज इक्वल होगी IL 0 प्लस के. ठीक है, 0 एक स्टैंडर्ड टाइम है, आप कोई भी टाइम ले सकते हैं. 4 माइनस इज इक्वल टू 4 प्लस. ओके, नाउ ये जो आपका IL 0 माइनस है इसका मतलब क्या है? सपोज करिए आपकी स्विच को ऑन करने जा रहे हैं, तो स्विच को ऑन करने की जस्ट पहले की पोजीशन क्या है आपकी? जीरो माइनस. स्विच को ऑन करते टाइम की पोजीशन क्या है आपकी? जीरो. स्विच को जस्ट ऑन करने की बाद की जो पोजीशन है वो क्या है आपकी? जीरो प्लस. तो मतलब इतने कम टाइम में इंडक्टर करंट कभी चेंज नहीं हो पाती है. ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस आपकी. ओके, तो ये तो इंडक्टेंस या इंडक्टर का आपका काम है, प्रॉपर्टी है. वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, सपोज करिए ये आपकी एक कॉइल है, यहां से एक करंट फ्लो हो रही है, टाइम वेरिंग करंट. ओके, सो प्रिंसिपल क्या है आपका? व्हेन एवर टाइम वेरिंग करंट फ्लोस थ्रू द कॉइल देन मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट विच इन टर्न्स जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर मैं सिंपल अगेन बोलूं, जब भी कोई टाइम वेरिंग करंट आपकी कॉइल से फ्लो होती है देन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है. और ये जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका उसी टाइम वेरिंग करंट के जिसके कारण वो जनरेट होता है. ओके, तो यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो आपका आंसर आता है एल. प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जो है वो है आपका एल. ओके, सो अगेन अगर आप इस इक्वेशन को देखें, phi इज इक्वल टू एल आई, तो यहां पर जो आपका एल है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई और वी इक्वल टू आई आर. कौन सा इक्वेशन था वो आपका? लीनियर इक्वेशन था. ओके, सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है. अगर इसको भी हम ड्रॉ करने जाते हैं तो आपका बिल्कुल इस तरह से बनेगा लीनियरली. दिस इज योर phi, दिस इज योर आई एल टी एंड स्लोप कॉन्स्टेंट स्लोप एल. सो एल विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, सो अगेन वी कैन डिफाइन दैट इंडक्टर इज अ लीनियर इंडक्टर इफ इट इज अ कॉन्स्टेंट. ओके ना, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस करेंट वैल्यू, दिस टाइम वेरिंग करेंट, बिकॉज हियर एल इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. सो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है ना, लीनियर अगर इंडक्टर अगर आपका लीनियर है तो आपका हमेशा जो इंडक्टर है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. ओके, नाउ यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो आपका फाई इज इक्वल टू एल आई है उसी इक्वेशन को यूज करके अगर हम लोग फेराडेस लॉ को डिफाइन करें तो फेराडेस लॉ में क्या कहा गया है कि जो आपका ईएमएफ या वोल्टेज है वीएलटी वो आपका क्या होता है? डी फाई बाय डी टी. ओके, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड द ईएमएफ और वोल्टेज डिफरेंस. ओके, नाउ हियर फाई की वैल्यू क्या है आपकी? एल आई एल टी. ओके, एल क्या है आपका यहां पर? कांस्टेंट है, तो एल आपका आउटसाइड आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो ये कितना हो जाएगा आपका? डी आई एल टी ऑफ डी टी. ओके, तो वी एल टी कितना हो गया हमारा? एल डी आई एल टी ऑफ by dt. okay, now so simple language v is equal to l di by dt is the voltage across inductor. so simple hai aapka.
सबसे पहले क्या हुआ आपकी टाइम वेरिंग करंट के कारण आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। देन फेराडेज लॉ से हम लोग क्या जानते हैं कि कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस या ईएमएफ जो होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ओके, यहां अगर हम फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दें तो एल आपका आउटसाइड आ जाएगा डिफरेंशिएशन साइन के और आंसर क्या आ जाएगा, वी एल टी इज इक्वल टू एल डी आई एल टी बाय डी टी, दिस द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, नाउ अगर हम लोग करंट की वैल्यू चाहते हैं यहां से तो करंट क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा 1 बाई एल माइनस इनफिनिटी टू टी वी एल टी डी टी। ओके, यहां पर अपर लिमिट आपकी टी क्यों है, बिकॉज वी वॉन्ट टू कैलकुलेट आई एल टी अप टू टाइम टी। सो हमें कहा गया यहां पर कि हमें टाइम टी तक ही कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई अपर लिमिट इज टी। ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इंडक्टर के लास्ट स्लाइड में कि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोजेस द सडन चेंज इन द करंट। ओके, तो क्या हम उस चीज को यहां प्रूफ कर सकते हैं, हमने यहां पर वी एल टी कितना निकाला है आपका एल डी आई एल टी अपॉन डी टी। ओके, अगर हम सिर्फ इस लाइन को पढ़ें, सिर्फ इस रेशियो को अगर स्टडी करें तो ये क्या शो कर रहा है आपका टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडक्टर करंट। नाउ सपोज डी टी टेंस टू जीरो है, तो डी टी टेंस टू जीरो मतलब चेंज इन टाइम बहुत लेस है, मतलब सडन चेंज। तो इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, सडन चेंज इन द इंडक्टर करंट। ओके, तो हमने पढ़ा क्या हुआ है, सडन चेंज का अपोज करता है। अब क्यों करता है सडन चेंज का अपोज, सडन चेंज का मतलब क्या होगा, डी टी टेंस टू जीरो होगा, डी टी किसमें है आपका डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब क्या है आपका जो वी एल टी है वो होगा क्या टेंस टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है, अगर सडन चेंज ऑफ करंट होना है अक्रॉस इंडक्टर तो वी एल टी को टेंस टू इंफिनिटी होना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है आपका। दैट्स वाई इंडक्टर जो है वो सडन चेंज ऑफ करंट को नहीं होने देता है। इसका मतलब क्या है कि इंडक्टर करंट जो जीरो माइनस या जीरो प्लस पे या बहुत जल्दी जल्दी आपकी चेंज नहीं होगी, हमेशा क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। ओके, नाउ इन केस ऑफ रजिस्टर मैंने आपको कहा था कि रजिस्टर को जब कोई पावर मिलता है पावर सप्लाई से तो उसको क्या करता है अब्सॉर्ब करता है, देन उसके बाद क्या करता है उसको वो डेसिपिएट कर देता है, वो उसको स्टोर नहीं कर सकता। इसलिए जो रजिस्टर है आपका वो आपका कौन सा एलिमेंट है, स्टैटिक एलिमेंट है। और मैंने उस टाइम आपसे कहा था कि इंडक्टर और कैपेसिटर उस पावर को अब्सॉर्ब करते हैं देन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो जो इंडक्टर एंड कैपेसिटर है वो आपके कौन से एलिमेंट है, डायनेमिक। ओके, डायनेमिक एलिमेंट। नाउ अगर हमने ये चीज पढ़ ली कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है तो हम स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ हमने पढ़ा हुआ है और हम जानते भी हैं कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ पावर। ओके, नाउ जो आपका पावर होता है वो क्या होता है, वी इंटू आई। नाउ व्हाट इज वी, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, व्हाट इज आई, करंट अक्रॉस इंडक्टर। ओके, नाउ अगर हमारे पास ऑप्शन हो कि हम वी और आई में से किसकी वैल्यू पुट करें तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी वैल्यू पुट करना चाहिए। अगर किसी एक की वैल्यू पुट करनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पे डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा जो कि और डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। लेकिन अगर हम वी की वैल्यू पुट करते हैं तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आएगा, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ओके, तो वी क्या होता है आपका एल डी आई बाय डी टी। ओके, दिस इज योर आई डी टी, तो डी टी और डी टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। ओके, तो क्या बचा आपका, एल आउटसाइड है, कॉन्स्टेंट है आपका एल, आई डी आई। ओके, नाउ तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाय टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ एल आई का स्क्वायर। तो दिस इज योर एनर्जी इन केस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन केस ऑफ इंडक्टर। तो इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट, ठीक है, इंडक्टर करंट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर आपका। क्लियर है यहां तक आपको अच्छे से? ओके, नाउ
अगर मैं यहां पर अब नेक्स्ट कंसेप्ट को पढ़ूं इंडक्टर के, तो इंडक्टर के आपके जो सर्किट्स होते हैं, सपोज इंडक्टर का जो आइडियल सर्किट है वो किस तरह से ड्रॉ होता है हम देख लेते हैं। इंडक्टर का जो आइडियल सर्किट है, सिंपल एक कॉइल है, एल उसकी वैल्यू, इंडक्टेंस वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो प्रैक्टिकल सर्किट है इसको अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है आपका एल और ये आपका आर है। तो यहां आर क्या है, आपकी आर की मीनिंग क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल सर्किट। तो अगर हम यहां पर समझे, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बोला है कि इंडक्टर जो है आपका, वो जब भी उसे पावर मिलता है वो उसे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, वो कोई भी पावर डिसिपेट नहीं करता है। बट ये आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में रियल लाइफ में कुछ ना कुछ पावर जो होता है वो हमेशा डिसिपेट होता ही है, कुछ ना कुछ लॉस हमेशा होता है। तो ये जो लॉस है ना वो इस आर के फॉर्म में दिया जाता है, इस रेजिस्टेंस वैल्यू के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये जो आर है आपका, ये इंटरनल रजिस्टर कहलाता है आपका इंडक्टर का। ओके, आइडियल केस की बात करूं तो आर क्या होना चाहिए आपका, टेंस टू जीरो। जब आर टेंस टू जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होगा तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, आइडियल सर्किट। ओके, तो ये आर कुछ भी नहीं है आपका, सिर्फ लॉस को शो कर रहा है, जो थोड़ा बहुत पावर लॉस इंडक्टर में होता है, उसके अलावा ये आपका कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ लास्ट जो आप कंसेप्ट बोल सकते हो इंडक्टर में, जो आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, जो आपने रजिस्टर के केस में भी पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल सेम होता है एक्चुअल में, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, जैसा आपका रजिस्टर में था L1, L2, अगर दो इंडक्टर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, L1 प्लस L2। सेम अगर दो इंडक्टेंस वैल्यू अगर आपकी पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, 1 बाई L इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाय L2। ओके, तो यहां पर जो आपकी सीरीज और पैरेलल जो वैल्यूज है, या सीरीज और पैरेलल के जो आंसर्स है, वो बिल्कुल सेम है जैसे रजिस्टर्स के थे। तो इस पे कुछ भी नया नहीं है, इवन जो न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए हुए हैं उसमें आप हर एक आर की जगह आप एल लगा दो तो वो भी आपकी वैल्यू सेम आएंगी बिल्कुल, बस आपको यूनिट चेंज करनी होगी, ओम की जगह हेनरी, दैट्स इट। ओके, नाउ ये था हमारा इंडक्टर, जिसपे आप लोगों ने क्या पढ़ा, मेन चीज जो हमारी है कि इंडक्टेंस किस चीज का अवॉइड करता है, सडन चेंज ऑफ करंट का। सेम जो आपका अगला कंसेप्ट है अब आपका, वो है आपका कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो है आपका, अगेन कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर विच अपोजेस द सडन चेंज इन वोल्टेज। जैसे इंडक्टेंस क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर विच अपोजेस द सडन चेंज इन करंट, सेम कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। तो VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 इज इक्वल टू VC0 प्लस। ओके, तो यहां पर अब इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल बहुत इजी है। आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर देखा होगा, बीच में आपका क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक होता है। ओके, यहां पर अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं वोल्टेज सोर्स अप्लाई करूं दोनों प्लेट्स के तरफ, तो प्लस माइनस वी, तो जो प्लेट आपकी प्लस से कनेक्टेड है वो आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जो माइनस से है यहां क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये जो आपका चार्ज है ना क्यू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रिमूव करता हूं तो Q इज इक्वल टू सी वी। ओके, और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है, इन केस ऑफ इंडक्टर एज वेल एज इन केस ऑफ रजिस्टर, ये अगेन आपका कौन सा इक्वेशन क्रिएट हो गया है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा यहां से आपका, क्योंकि C क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है, क्यू क्या होगा, वाई एक्सिस, वी क्या है आपका, एक्स एक्सिस, अगेन वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो अगर मैं यहां से लीनियर ग्राफ फिर से ड्रॉ कर लूं तो आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, क्यू वी एंड सी। सो अगेन आपका सी लीनियर कैपेसिटर कब होगा, जब वो कांस्टेंट होगा, वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा उससे। ओके,
नाउ हम लोग जानते हैं कि जो करंट होती है वो क्या होती है आपकी डी क्यू अपॉन डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो लास्ट इक्वेशन में अगर हम क्यू की वैल्यू पुट करें तो डी सी वी अपॉन डी टी, तो कितना आंसर हो जाएगा, सी आपका कॉन्स्टेंट है आउटसाइड, डी वी अपॉन डी टी। सो अगर हम कैपेसिटर करंट को लिखें यहां पर तो आई सी टी इज इक्वल टू सी डी वी सी टी बाय डी टी, ये होता है आपका कैपेसिटर के अक्रॉस करंट। ओके सेम अगर हम वोल्टेज को लिखें तो आपका करंट जो है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो वोल्टेज किस फॉर्म में आ जाएगा हम लोग का, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सो दिस इज योर आंसर। ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपका, ये करंट। ओके सो वी सी टी इज इक्वल टू वन बाय सी इंटीग्रेशन ऑफ आई सी टी डी टी। ओके नाउ जैसा हमने लास्ट इंडक्टर के केस में पढ़ा था कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का पोज करता है, उसको हमने प्रूफ किया था। सेम वैसे ही जो कैपेसिटर होता है आपका वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। आईसीटी क्या होता है आपका, सी डी वी सी टी बाय डी टी। ओके अगर यहां से हम लोग डी टी को टेंस टू जीरो करें तो इस टर्म को हम अगेन क्या पढ़ेंगे, सेम कंसेप्ट होगा आपका, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज आपको चाहिए तो करंट कितना चाहिए होगा हम लोग को अक्रॉस द कैपेसिटर, इंफिनिटी अगेन, जो कि प्रैक्टिकली क्या है आपका, इंपॉसिबल। दैट्स व्हाई जो कैपेसिटर है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को क्या करता है आपका, अपोज करता है। ओके नाउ अगेन नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या पढ़ सकते हैं यहां पर, जैसा हमने रजिस्टर और इंडक्टर के केस में पढ़ा था कि रजिस्टर क्या होता है आपका, स्टैटिक एलिमेंट, पावर पूरा डिसिपेट करता है। इंडक्टर क्या होता है आपका, डायनेमिक एलिमेंट, पावर को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। सेम कैपेसिटर भी आपका क्या होता है, डायनेमिक एलिमेंट। ओके तो अगर हम लोग यहां पर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो सेम कंसेप्ट होगा आपका, स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। ओके पावर क्या था आपका, वी आई डी टी। अब आपको यहां से क्लियर होगा कि हमें यहां पर किसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए, आई की, क्योंकि आई आपका डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, तो वी सी डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी, तो डी टी डी टी क्या होगा, कैंसल, सी आपका आउटसाइड हो जाएगा, वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू। तो आंसर कितना आ गया आपका, एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहां पर जो आपका हाफ सी वी स्क्वायर आंसर आ रहा है, तो एनर्जी जो है आपकी वो किस पे डिपेंड कर रही है, वी पर डिपेंड कर रही है। सो कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी इन फॉर्म ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके सो कैपेसिटर इज अ डायनेमिक एलिमेंट। ओके नाउ इफ आई सी द सर्किट्स ऑफ द कैपेसिटर, देन आपका आइडियल सर्किट क्या होता है कैपेसिटर का, अगेन सेम होगा आपका, दिस इज योर सी। ओके आइडियल सर्किट है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, बट वॉट अबाउट प्रैक्टिकल सर्किट, प्रैक्टिकल सर्किट थोड़ा सा अलग होता है आपका इंडक्टर से, दिस इज योर सी, दिस इज आर वन एंड दिस इज वन मोर रजिस्टर आर टू। ठीक है तो हम यहां देख लेते हैं कि आर वन आर टू का क्या रोल है यहां पर। R1 आपका सेम है जो हमने इंडक्टर केस में पढ़ा था कि कैपेसिटर जो प्रैक्टिकल होगा वो थोड़ा बहुत पावर लॉस करेगा, तो वो पावर लॉस किस फॉर्म में दिया जाता है, R1 के फॉर्म में। बट व्हाट अबाउट R2, R2 क्या है, हम जानते हैं कैपेसिटर में लीकेज होता है, तो R2 जो है आपका वो लीकेज पाथ को शो करता है, दिस पाथ इज योर लीकेज पाथ। ओके एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग टू लॉस, पावर लॉस। ओके तो अगर हम आइडियल सर्किट चाहते हैं तो R1 क्या होना चाहिए आपका, टेंस टू जीरो, तभी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और R2 क्या होना चाहिए आपका, टेंस टू इन्फिनिटी, तभी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ये ब्रांच क्या हो जाएगी आपकी, रिमूव हो जाएगी। तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा यहां से, आइडियल सर्किट। ओके तो ये आपके आइडियल और प्रैक्टिकल सर्किट होते हैं कैपेसिटर के केस में। ओके नाउ
अगर हम लास्ट कंसेप्ट देखें कैपेसिटर में, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, तो यहां पर कुछ अलग होता है इंडक्टर एंड रजिस्टर से। कैसे देखते हैं हम लोग। सपोज करो अगर दो कैपेसिटर जो हैं वो आपके सीरीज में है, तो आंसर क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बोलेगा जो याद करके रखा हुआ है कि कैपेसिटर में सीरीज का आंसर पैरेलल होता है, पैरेलल का आंसर सीरीज होता है। पर क्यों होता है वो, क्यों हम लोग सीरीज में होने पर आंसर इस तरह से लिखते हैं 1/C = 1/C1 + 1/C2, क्यों नहीं लिखते हैं हम रजिस्टर की तरह C = C1 + C2। रीजन क्या है इसके पीछे, हम याद तो कर लेते हैं लेकिन हमें रीजन नहीं पता होते हैं। तो रीजन क्या है इस चीज के पीछे, तो मैं आपको क्लियर करता हूं आज। देखिए R की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, ओम होती है, ठीक है। L की यूनिट क्या होती है हमारी, हेनरी, ठीक है। C की यूनिट क्या होती है हमारी, फेरेट, ओके। अब आप सपोज करिए किसी भी सर्किट में R, L और C तीनों कनेक्टेड हैं, अगर हम उनमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं डायरेक्टली प्लस माइनस, नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीनों की यूनिट क्या है आपकी, अलग अलग है, ओके। नाउ अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उनमें तो तीनों की यूनिट आपकी पहले आपकी सेम होनी चाहिए, अगर मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसका थ्योरिकल पॉइंट भी हम पढ़ेंगे आगे जाके एसी एनालिसिस में, लेकिन अगर मैथमेटिकल पॉइंट बोले तो तीनों की यूनिट आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ओके। सो सेम यूनिट कैसे करते हैं हम लोग, इनके इंपेडेंस कैलकुलेट करके। तो आर का इंपेडेंस क्या होता है, आर ही होता है, उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, ओम। एल का इंपेडेंस क्या होता है, जे ओमेगा एल, इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है आपकी, ओम। सी का इंपेडेंस क्या होता है, 1/J ओमेगा C, इसकी यूनिट भी क्या होती है आपकी, ओम। तो अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने तीनों के इंपेडेंस कैलकुलेट कर लिए आर का, एल का एंड सी का, तो सबकी यूनिट क्या बन गई आपकी, ओम बन गई। तो अब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उनके ऊपर क्योंकि सबकी यूनिट क्या है आपकी, सेम है, ओके। तो एक्चुअल में जो सीरीज एंड पैरेलल के जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो इंपेडेंस के बेस पे होते हैं, ओके। अगर मैं यहां पर सपोज करिए दो कैपेसिटर आपके सीरीज में हैं C1 एंड C2, तो उनके इंपेडेंस ऐड होते हैं, ना कि डायरेक्टली C1 और C2 में ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो अगर हम देखें ZC टोटल इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZC1 + ZC2, ओके। तो ZC क्या है हमारा, हमने पढ़ा हुआ है 1/J ωC, ZC1 क्या हो जाएगा 1/J ωC1, ZC2 क्या हो जाएगा 1/J ωC2। अगर हम ध्यान से अगर देखें तो J ωJ ωJ ωसेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर आपका, 1/C = 1/C1 + 1/C2, ओके। तो एक्चुअल में इंपेडेंस आपके ऐड ही हो रहे हैं, लेकिन चूंकि इंपेडेंस का फॉर्मूला 1/J ωC होता है, दैट्स व्हाई वो आपका आंसर सी की जगह 1/C आ जाता है, ठीक है। इसलिए आपको सीरीज जैसा आंसर पैरेलल जैसा और पैरेलल जैसा आंसर आपको सीरीज जैसा दिखाई देता है कैपेसिटर के केस में, ओके। लेकिन हमें ध्यान रखना है ऐसा होता नहीं है, उनके इंपेडेंस ऐड होते हैं सीरीज में, और पैरेलल में क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। सपोज करिए दो कैपेसिटर आपके पैरेलल में है C1 एंड C2, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल में पता है क्या होता है, 1/ZC = 1/ZC1 + 1/ZC2, ओके। तो यहां भी ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहा है, जैसे इंडक्टर में हुआ था 1/L = 1/L1 + 1/L2, यहां जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो भी आपका सेम ही है, लेकिन जैसा मैंने आपको कहा ऑपरेशन जो है इंपेडेंस के फॉर्म में परफॉर्म होता है, तो 1/ZC क्या हो जाएगा आपका, J ωC, 1/ZC1 J ωC1 + J ωC2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, C = C1 + C2, ओके। तो ये आपके होते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ कैपेसिटर, ओके। सो दिस इज योर पैसिव एलिमेंट्स, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ओके। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, वी विल स्टार्ट विद द एक्टिव एलिमेंट्स लाइक वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ओके। गुड बाय।